गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए, तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ ऑलरेडी। सभी हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज, अभी आया कोई नहीं है। गिव नजर से सब पनीर बना रहा है, रोटी ले ली। कौन सी पूड़ी है? खाली पूड़ी है, खाली है। सब्जी दे दो। सो फ्रेंड्स, अभी ना मैं कॉलेज से वापस आ चुकी हूँ और आते वक्त मुझे बीच में ऑरेंज मिले थे तो मैंने वो भी ले लिए हैं, बट मैं ना वहाँ पे वीडियो बनाना भूल गई। मैं भूल जाती हूँ बात बात पे कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो अभी चलते हैं हॉस्टल, बहुत थक गए हैं। सबसे पहले जाके पानी पियेंगे क्योंकि मैं पानी की बॉटल नहीं लेके जाती ना कॉलेज, तो प्यास लगती रहती है, और फिर चाय पियेंगे। बहुत थक गई हूँ, अब बस मैं आराम करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी ना दीदी रूम में नहीं है, बहुत थक गए हैं, तो मैं पानी पीती हूँ, आराम करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद चाय का टाइम हो जाएगा तो चाय लेने चली जाऊँगी। और देखते हैं, अभी कुछ लेने जाती हूँ, दूध या दही वगैरह, क्योंकि नहीं दूध ले आती हूँ, कॉफ़ी पी लूँगी, तो ऐसे कुछ दूध वूध पीने का मन कर रहा है, तो जाऊँगी, थोड़ा रुक के जाऊँगी। मिलती हूँ बाद में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं चलती हूँ ना चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट भी लेके आती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं चाय के साथ खा सकूँ, और खाली चाय मैं पीती नहीं हूँ, तो चलते हैं बिस्किट लेके आते हैं। और रात को पीने के लिए मैं दूध भी लेके आऊँगी क्योंकि बहुत टाइम से नहीं पिया मैंने, तो चलते हैं थोड़ा सा सामान लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैंने सारा सामान ले लिया है तो इसको लेके चलते हैं। और बिस्किट मैंने ऐसे ही कोई सा भी ले लिया है, मुझे नहीं समझ आया कि कौन सा लेना चाहिए इस टाइम पे, और मैंने बंद भी ले लिया है, तो कभी मौका लगेगा तो मैं खाऊंगी। तभी चलते हैं, चल के चाय ले लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं। सो अब चलती हूँ, चाय लेके आती हूँ। सो अभी मैं चेक करती हूँ मैं कौन सा बिस्किट लाई हूँ। तो ये है मारी गोल्ड, तो ये मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया है, कभी भी पहले नहीं खाया है, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ मारी गोल्ड, वो भी चाय के साथ, तो देखते हैं कैसे लगते हैं। सो ये है मारी गोल्ड और ये लग रहा है बिल्कुल बिस्किट जैसा, सही लग रहा है, खा ही लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी ना मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा आज जल्दी ले आई हूँ खाना। और जो मैं दूध लेके आई थी ना, तो मैंने पहले सोचा था कि यहीं रूम में ही दीदी से गर्म करवा लूंगी, तो दीदी तो अभी कहीं बाहर गई हुई हैं, तो मुझे लगा कि उनको आने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने नीचे से ही जाके अपना दूध गर्म करवा दिया। और दीदी कहती हैं कि जो गैस रखी है इसको तुम यूज़ कर लिया करो, लेकिन मेन बात तो ये कि मुझे गैस ऑन करनी नहीं आती, ये वाली, वो वाली जो होती है ना, तो वो तो मैं ऑन कर लेती हूँ, बट ये छोटी वाली गैस मैं बिल्कुल नहीं यूज़ कर पाती हूँ, इसलिए सेफ यही है कि नीचे जाके भैया से ही गर्म करवा लो दूध। तो अभी बस मैं खाना खाना तुरंत आती आते थक जा। सो अब मैं बस अपना खाना खाती हूँ इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। और आज बना है राजमा, फाइनली बढ़िया बढ़िया चीज़। बस जिस दिन मटर बनती है ना, तो मटर मुझे नहीं सूट करती है, इतनी अच्छी भी नहीं लगती है, तो बस वही नहीं अच्छा लगता है, बाकी तो सब बढ़िया ही है। और भैया इतने दिन से बहुत बढ़िया खाना बना रहे हैं, बहुत टेस्टी खाना बना रहे हैं। सुबह भी उन्होंने जो दाल के पराठे बनाए थे ना, बढ़िया बने थे। चलती हूँ खाना खा लेती हूँ। और मैंने पता है अभी ऑरेंज खाया था, तो उसका जो छिलका है इसको भी फेंक के आना पड़ेगा। सो अभी मैंने इधर अपना खाना खा लिया है, और वो मैंने रखा है दूध, तो उसके ऊपर मैंने कटोरी रख दी है कि जल्दी वो ठंडा ना होए, तो जल्दी से मैं अपनी ये प्लेट धो के रख देती हूँ, फिर पीती हूँ दूध। सो अभी मैंने प्लेट वगैरह धो के रख दी है, और अभी भी दूध गर्म है, तो
तो ये अच्छा था कि मैंने इसको कटोरी से ढक दिया था। और अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो अभी मुझे थोड़ा सा रिटर्न वर्क अपना कंप्लीट करना है, वो भी मैं कंप्लीट करूँगी। और अभी भी दीदी तो आई नहीं है, तो हो सकता है उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वैसे अभी ज़्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं है, अभी बस 8 ही बजा है। और बस मैं थोड़ा जल्दी से खाना खा लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद ना कॉलेज से थोड़ी सी भूख लगने लगती है जल्दी, तो इसीलिए। और असाइनमेंट्स वगैरह भी मुझे कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए भी मुझे सामान वगैरह खरीदना पड़ेगा। देखते हैं कब बनाया जाएगा असाइनमेंट वगैरह। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।